मौसम इन रेस्ट्रिक्टिंग मीडियम्स बीएससी क्लास डायनेमिक्स वीडियो नंबर 13 है। क्वेश्चन है पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकल या अपवर्ड, पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकल या अपवर्ड या इन असेंडिंग ऑर्डर इन ए मीडियम होज रेजिस्टेंस के वी स्क्वायर पर यूनिट मास प्रूव दैट द डिस्टेंस एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ इज 1/n के लॉग से टी अंडर रूट जी के। तो इन असेंडिंग ऑर्डर में है, इससे पहले यूनिट में क्वेश्चन हुआ था पहले वीडियो में, उसमें डाउनवर्ड था, इसमें अपवर्ड है। सेम वही क्वेश्चन है, तो उसका जो पाथ का इक्वेशन है वो थोड़ा सा चेंज आएगा, 1/n के लॉग सेग टी अंडर रूट जी के आना है। इसमें जो हमारा टर्म्स है इक्वेशन ऑफ मोशन इज होगा एम बी टी बी अपॉन डी वाई, यानी कि मोशन जो हो रहा है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रहा हो, एक्स एक्सिस यहाँ और वाई एक्सिस में यहाँ होगा। एम बी डी बी अपॉन डी वाई ले लेंगे इक्वल टू माइनस का एम जी माइनस का एम के वी स्क्वायर, एंड एम से एम कॉमन निकल के कैंसिल कर देंगे। बी डी बी अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस के, वहाँ पे एक कॉमन निकल दिया है के, तो होगा जी अपॉन के प्लस का बी स्क्वायर। बेहद जी अपॉन के इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर होता है, कैपिटल बी स्क्वायर यानी कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो बी डी बी अपॉन डी वाई इक्वल टू होगा माइनस का के ब्रैकेट में कैपिटल बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, अब क्वान्टिटीज इक्वेशन बना है, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो ये हो गया बी डी बी अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस का के बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू वी डी बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का टू के डी वाई। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पर, तो इसको 1/t लेट कर लेंगे, सॉरी t लेट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, ये log log बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का टू के वाई प्लस सी। वेयर सी इज एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, इसको t लेट करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म हमको मिल जाता है। उसके बाद 1/t का log t हो जाएगा। इंटीग्रेशन के बाद इनिशियली कंडीशन अप्लाई करेंगे, इनिशियली में y इक्वल टू जीरो होगा एंड स्मॉल b इक्वल टू u, देन c इक्वल टू आ जाएगा हमारा y इक्वल टू जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, ये u हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा log b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। पुट द वैल्यू, c का वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर c का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा log लॉग कैपिटल बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का टू के वाई प्लस का लॉग बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। उसको सेपरेट कर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर सेपरेट करके आ जाएगा टू के वाई इक्वल टू, यानी कि टू के वाई इक्वल टू होगा लॉग बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस लॉग कैपिटल बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर, तो होगा टू के वाई इक्वल टू टू के बाई इक्वल टू लॉग बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन मान लीजिएगा, नहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एट हाईएस्ट पॉइंट पर, एट हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट की वैल्यूज हमको फाइंड करना है। हाईएस्ट पॉइंट पे वाई इक्वल टू एच होगा एंड वेलोसिटी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से चलो अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो यहाँ पे वैल्यू ड्रा कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा टू के एच इक्वल टू लॉग बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर टू मान लें, सब्ट्रैक्टिंग सेवन फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर वन वाई इक्वेशन नंबर टू, वन को इक्वेशन नंबर टू से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये बनेगा, ये बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर था इक्वेशन फर्स्ट था, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट वाई इक्वेशन नंबर टू यानी कि टू के एच माइनस का टू के वाई इक्वल टू लॉग बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का लॉग बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा टू के कॉमन निकाल लेंगे तो ये टू के ये होगा एच माइनस का वाई इक्वल टू लॉग
लॉग इन माइनस लॉग इन का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग एम अपन लॉग इन हो जाएगा। तो बी स्क्वायर यू स्क्वायर अपन बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हुआ, ये ऊपर पहुँचेगा, तो होगा लॉग बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू टू के ब्रैकेट में एच माइनस बाई टू के एच माइनस बाई इक्वल टू लॉग कैपिटल बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर। अब इसको चेंज कर लेते हैं, ई की पावर में चला जाएगा, ई की पावर टू के एच माइनस बाई इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर। और एच माइनस बाई को कुछ लेट कर लें, लेट हमने मान लिया, कोई पी मान लो या एच एच कैपिटल एच मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्टेंस मान सकते हैं, हमने सपोज पी मान लिया अपनी सुविधा के लिए, थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो ये हो जाएगा टू ई की पावर टू के पी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर अपन कैपिटल बी स्क्वायर, कैपिटल बी के टर्म में वैल्यूज हमको निकालना है। तो ये यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ई की पावर टू के पी बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर ई की पावर टू के पी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल बी स्क्वायर, टेन स्मॉल बी स्क्वायर इक्वल कैपिटल बी स्क्वायर कॉमन, ई की पावर टू के पी माइनस का वन, एंड बी इक्वल टू हो जाएगा एंड स्मॉल बी इक्वल टू माइनस का बी अंडर रूट ई के पावर टू के पी माइनस वन, ठीक है, प्लस माइनस होगा तो ऊपर क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, अपवर्ड मोशन है, तो ये होगा माइनस भी लिया जाएगा, निगेटिव साइन लिया जाएगा, नहीं तो पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस माइनस साइन आएगा रूट हटाने पर, तो अपवर्ड मोशन में ये लिया जाएगा माइनस, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ई के पावर टू के पी माइनस वन एंड बी इक्वल टू होगा डी बाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का बी अंडर रूट ई के पावर टू के पी माइनस वन, यहाँ चल रहा है चूंकि पी इक्वल टू था हमारा एच माइनस का बाई, देन डी पी अपॉन डी टी की बात करें तो माइनस का डी बाई अपॉन डी टी हो जाएगा, तो डी पी अपॉन डी टी डी पी अपॉन डी टी डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा बी अंडर रूट ई की पावर टू के पी माइनस वन, ये वाली वैल्यू यहाँ पर ड्रा कर देंगे। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी पी अपॉन यानी कि बी डी टी इक्वल टू डी पी अपॉन ई की पावर टू के पी माइनस वन। अब ई की पावर इसका इंटीग्रेट करना है हमको, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट करने के लिए इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा, ई की पावर के पी से मल्टीप्लाइंग कर दिया, ई की पावर के पी अंडर रूट ई की पावर के पी का हॉल ऑफ स्क्वायर माइनस वन, ई की पावर के पी को जेड मान लें या टी मान लें, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन के बाद आएगा, डिफ्रेंशिएशन पे यहाँ पे बनेगा ई की पावर के पी के ई की पावर डी पी इक्वल टू डी जेड, ई की पावर के पी का ई की पावर के पी इंटू के पी का के हो जाएगा एंड डी पी इक्वल टू डी जेड, और ये वाली वैल्यूज वहाँ पे ड्रा कर देंगे, इतने की वैल्यू निकाल लेंगे डी जेड अपॉन के यानी वन अपॉन के बाहर आ जाएगा, तो वी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी टी डी टी यानी कि डी टी तो वन 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 का टी हो जाएगा बी टी इक्वल टू वन अपॉन के इंटीग्रेशन और डी जेड अपॉन ये हम जेड माने अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस वन। तो ये हो गया हमारा बी टी इक्वल टू वन अपॉन के सेक इनवर्स जेड प्लस कॉन्स्टेंट मान लेंगे सी वन मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं है एट हाईएस्ट पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पे वाई इक्वल टू एच होगा पी इक्वल टू जीरो होगा देन जेड इक्वल टू माने थे जेड इक्वल टू था हमारा ई की पावर के पी ई की पावर के पी था तो जेड इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर जीरो पी इक्वल टू जीरो है यानी कि वन हो जाएगा एंड टाइम भी जीरो होगा टाइम जीरो है वाई इक्वल टू एच है पी इक्वल टू जीरो तो जेड की वैल्यू हम वन आ गया सेक में वन हाँ
तो सी वन की वैल्यू हमको फाइंड करना है, यहाँ पे वैल्यू ड्रा कर देते हैं इसमें। तो बी टी ज़ीरो है इक्वल टू वन अपॉन के सेक वन, को ज़ीरो की वैल्यू वन होता है, सेक भी जीरो, ये जीरो हो जाएगा वन में, सेक इनवर्स वन यानी कि जीरो, सेक इनवर्स वन प्लस सी वन यानी कि वन अपॉन के इंटू जीरो प्लस सी वन, देन सी वन इक्वल टू जीरो। सी वन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इस जगह पे, तो सी वन हमारा जीरो आ चुका है, तो ये वैल्यूज हो जाएगा। एंड बी टी इक्वल टू वन अपॉन के सेक इनवर्स जेड, देन बी टी इक्वल टू वन अपॉन के सेक इनवर्स जेड, तो बी टी के इक्वल टू सेक इनवर्स जेड, बी टी के इक्वल टू सेक इनवर्स जेड, देन जेड इक्वल टू हो जाएगा, जेड इक्वल टू निकाल लेंगे तो सेक इनवर्स जेड, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक बी टी के, सेक बी टी के, एंड जेड इक्वल टू माने थे, जेड इक्वल टू ई की पावर के पी माने थे, इक्वल टू सेक बी टी के, यहाँ से वैल्यूज निकल सकता है। एंड ई की पावर के इक्वल टू सेक बी टी के, हाँ ये बना था हमारा ई की पावर के बी इक्वल टू सेक बी टी के, बी टी इक्वल टू हो जाएगा लॉग सेक बी टी के, वेयर बी इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन के, यहाँ पे वैल्यू ड्रा कर दिया है बी का अंडर रूट जी अपॉन के, तो पी इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन के लॉग सेक, इससे कैंसिल कर लेंगे, ये अंडर रूट जी के बन जाएगा, तो पी इक्वल टू वन अपॉन के लॉग सेक ब्रेकेट में टी अंडर रूट जी के, इसका आंसर है।